हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है मोमोज की स्टफिंग, वेजिटेबल स्टफिंग है। ये स्टार्ट कर दिया देखो मैंने बनाना। इसमें सबसे पहले मैंने बटर डाला जो कि होममेड है। 2 स्पून मैंने इसमें बटर डाला। घर का बटर ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो पहले बटर को हल्का सा मेल्ट करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने डाले हैं, मेंशन भी हैं साथ में क्या क्या इसमें डाला हुआ है। गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, ये सब डाल के इसको अच्छे से बस मिक्स करेंगे, सोटे करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद आगे का करेंगे। ये देखिए अभी हम बना रहे हैं, इसको रोस्ट कर रहे हैं। मेरा बस हल्का सा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ ऐसे है, अदरवाइज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये बस अब रेडी हो ही गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसके बाद ही हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने मार्केट का भी खाया है मोमोज, वो सोया का बना हुआ था, मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो ये मैंने पहले भी बनाया है घर में 1-2 बार, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो सोचा आपके साथ ये वाली मोमोज की रेसिपी और ये स्टफिंग है जो वो शेयर करूँ। ये वेजिटेबल्स हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद कद्दूकस कर लिया था। कैप्सिकम है, कैबेज है, बाकी आप देख लो क्या है, कैरेट है। इसमें अच्छे से बस इसको ग्रेट किया मैंने, वॉश किया, हल्का सा पानी डालने के बाद इसको डाल दिया। इसमें सोटे करेंगे इसको थोड़ा सा, हमने पूरा इसको फ्राई नहीं करना, फ्राई बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा इसको सोते करना है, इससे इसका क्रंचीपन बना रहे। मोमोज की स्टफिंग काफ़ी टाइप की होती है, चिली की लगा लो, सोयाबीन की अलग लगा लो, और भी कोई भी लगा लो मोमोज स्टफिंग, पर मुझे ये वाली स्टफिंग वाले मोमोज ज़्यादा अच्छे लगे ना, तो मैं इसलिए ये बना रही हूँ। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको हमने ज़्यादा नहीं भुना, ये देखो हल्का सा अब ये भुन चुका है। आपने देखा ही है पहले ये पैन से हल्का सा बाहर था तो अब बैठ गया है, ये रेडी है। बट इसमें कुछ अब मसाले वगैरह डालेंगे। जैसे बच्चे भी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो हम ये बना के इजली दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको हम मोमोज में ही फिल करें, इसका पराठा बनाकर खाएं। इसकी ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, रोटी का जो रोल होता है उस पर कैचअप लगा के ये फीलिंग डाल के हम इसको सर्व कर सकते हैं। आगे बहुत टेस्टी लगता है जी, ये तो ऐसे खत्म हो जाता है। वैसे इसलिए मैंने अब थोड़ा सा पानी डाला, इससे सब्ज़ियाँ जलेंगी नहीं। वैसे मैंने गैस लो ही फ्लेम पे रखा हुआ है, इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया। अब इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, जिसमें नमक, थोड़ा सा मसाला लिया हमने, मैगी मसाला है, जीरा पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, आमचूर पाउडर है खटास के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरका डालेंगे, वाइट विनेगर इसमें मैंने यूज़ किया है, ये देखिए वाइट विनेगर यूज़ करें, मिक्स करें। हल्का सा वाटर ऐड करने के बाद सोटे कर लें इसको। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा भुने पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये मसाले अच्छे से इन वेजिटेबल के साथ मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हम कर रहे हैं, बस इसमें सोया सॉस वगैरह रह गई डालनी, वो ऐड करेंगे। ये जल्दी ही रेडी हो जाती है। और अच्छी अच्छी वीडियोज और रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुक विद फन एंड व्लॉग, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर सभी के साथ शेयर करें। मैं इन मोमोज को स्टीम करके बनाऊँगी, तंदूरी टाइप भी बनते हैं, फ्राई करके भी बन जाते हैं। बहुत तरीके टाइप्स होती हैं इनकी, काफ़ी वैरायटीज होती हैं मोमोज की। आजकल तो लोग इन्हीं चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फिर मिक्स करूँगी, इससे कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। सोया सॉस डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। खटास के लिए वैसे हमने विनेगर डाला है, इससे भी आएगा। इस टाइम हम इसमें मेयोनीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रेड सॉस डाली है, कैचअप, जो तंदूर वाली मेयोनीज होती है उसका 1 स्पून डाल दें, हल्का सा पानी डाल के मिक्स करें तो बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आएगा, फ्रेग्रेंस आएगी। ये कश्मीरी मिर्च डाली थी जो कि तीखी नहीं होती,
इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फ्रेंड्स आप मुझे बताएं आपको ये मोमोज की स्टफिंग कैसी लगी। बाय।